फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीपल लाइपोमास ऑल ओवर द बॉडी। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट की क्वेरीज आती रहती है जिनको ऐसे लगता है कि उनकी ऑल ओवर द बॉडीज में बहुत सारे लाइपोमास हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत सारे लाइपोमास हैं तो अगर आपको लाइपोमा की ट्रीटमेंट उन्हीं एरियाज में करना चाहिए जो कि आपके एक्सपोज एरिया हैं, मतलब कि जो दिखने में बुरे लगते हैं, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं, मतलब अगर आपको कुछ पेन वगैरह लग रहा है तो आप उन ट्रीटमेंट्स उन लाइपोमा के ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसकी दो सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो ट्रीटमेंट यह है कि उस जगह पर कट दिया जाए और उस लाइपोमा को निकाल लिया जाए, जो कि नॉर्मल कोई भी आपके एरिया में जो नॉर्मल सर्जन है वो उसको कर सकते हैं। बस उसमें थोड़ा क्या रहता है, कट के निशान ज़्यादा रहता है, बस सर्जरी आपका थोड़ा सा पेनफुल रहता है। अगर आप प्लास्टिक सर्जन के द्वारा इस सर्जरी को कराना चाहते हैं तो अगर वो लाइपोमास आसपास है तो हम उस पूरे ही लाइपोमास को एक छोटे से कट से लाइपोसक्शन के द्वारा उस फैट को मेल्ट करके बाहर निकाल सकते हैं। दोनों सर्जरी में अपनी एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको ये सर्जन जो है यूजली हो सकता है आपके एरिया में ना मिले प्लास्टिक सर्जन, आपको दूसरे शहर में आके सर्जरी करवानी पड़े। और दूसरा ये कि ये जो लाइपोसक्शन सर्जरी है थोड़ी सी कॉस्टली सर्जरी है। इसकी नॉर्मल इनिशियल कॉस्ट जो है वो लगभग 30,000 या 30,000 रुपए के आसपास से शुरू होती है और धीरे धीरे बढ़ के 30,000 से 60,000 के बीच में सर्जरी हो पाती है, किसी अगर एक पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें। जबकि अगर आप इसको सिर्फ नॉर्मल सर्जन से कट करके निकलाएंगे तो शायद थोड़ी कॉस्ट कम पड़ सकती है, बट आपको उसमें थोड़ा स्कार बड़ा आ सकता है। तो ये आपको चूज़ करना है कि आप उसमें बिल्कुल स्कारलेस या बहुत मिनिमल स्कार से करवाना चाहते हैं या बड़ा स्कार आपको एक्सेप्टेबल है, विस कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है। तो ये मेन नॉर्मल मल्टीपल लाइपोमास का ट्रीटमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बताया कि मल्टीपल लाइपोमास अगर ऑल ओवर द बॉडीज अगर आपको हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट अप्रोच कैसे होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइपोमा से रिलेटेड और भी वीडियो दी गई है जिसमें मैंने बताया कि लाइपोमा क्या होता है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, प्लास्टिक सर्जन और जनरल सर्जन में कैसे डिफरेंस होता है। उसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको वीडियो को देखना चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लाइपोमा से रिलेटेड लगता है तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, उस पर एक इंक्वायरी फॉर्म दिया गया है, आप उसमें अपना पूरा जो भी आपका डाउट है पूरा डिटेल में लिख के आप हमें भेज सकते हैं। हम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।